लो जी ये रहा हम अपना निकल रहे हैं दोनों भाई। वो नीम करोली नहीं है, वो नीम करोली करोली हाँ नीम। ये रहा मंदिर, ये देखो काफी लोग आ रहे हैं। ठंड जी फाड़, समझ जाओ जी फाड़ का मतलब। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भरोसे मत आना, भगवान भरोसे आना या भैया जैसे इंसान मिल जाए तो अलग बात है। कृपया ध्यान दे, ये देखो एक कम्बल दो कम्बल बिना पंखे के बिना एसी के। इन्हें कमरा ही नहीं मिल रहा, रूम ठसा ठस भरे हुए सारे के सारे, सारे रूम फुल पैक फुल मिल गया। हमारी तो किस्मत अच्छी थी, भगवान के आशीर्वाद से मिल ही गया। मिलता बेटा हमें भी नहीं। हाँ अगर हम भी थोड़ा लेट आते तो नहीं मिलते। कभी भी आओ हमेशा कम अपना रूम वगैरह बुक करके आना, ऐसे मत आना। सैटरडे संडे आओगे। ये रहा यहाँ मंदिर और ये रहा हमारा होटल। तो देख लो होटल से और मंदिर का डिस्टेंस यही है और सिर्फ बीच में जो मैं कह रहा था ना एक नदी का फासला है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से, ये पूरा ही भीमताल है। अब इसके पीछे की कहानी शायद ये है कि यहाँ पे भीम नाए थे, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ तभी इसको भीमताल कहा जा रहा है। अब बाकी कहानी अगर किसी को जाननी है तो अपने आप देख लेना, कहीं YouTube पर टाइप कर लेना भीमताल क्या है। रूम में आ गए हैं जी, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, जरा थकान मिटाएंगे। और रूम मैं बता रहा हूँ बाबा के मंदिर से ठीक पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब बाबा का मंदिर फिर बीच में एक हल्की सी झरना बह रहा है और फिर हमारा ये रूम है, होटल है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अभी आप देख रहे होगे आदित्य नहीं है, तो मैं बता दूं आदित्य बाबू जी गए फेस वॉश लेने, उनके चेहरे पे मिट्टी लग गई ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं साबुन से धो लेते हैं। कह रहा नहीं भाई गार्नियर का फेस वॉश लूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है, मतलब देख रहे हो लॉन्डे को गार्नियर का फेस वॉश। तो उसने बोला है कि भैया आधे किलोमीटर आगे मिल जाएगा, आप ना आगे की तरफ जाओगे तो वहां मिल जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल साबुन मिलेगी। तो लड़का पैदल आधा किलोमीटर घूमते घामते गया है, यानी आधा किलोमीटर जाना आधा किलोमीटर आना, एक किलोमीटर सिर्फ गार्नियर का फेस वॉश लेने आ गया। हाँ जी बाबू जी गार्नियर का फेस वॉश मिल गया आपका? अरे गार्नियर का तो मिला, ये देख दो रुपए वाला मिला, तब भी नहीं मिला। नीम का फेस वॉश मिला 10 रुपए वाला, एक साबुन मिली है, दो शैम्पू मिले, यही मिल के बहुत है। देखो और मैं कह रहा हूँ उसने बोला कि आधा किलोमीटर जाना आधा किलोमीटर आना, एक किलोमीटर होगा बाबू जी जल्दी है, तो कितना देर से चला तू फिर? अरे बड़ी देर पर एक चीज मिल गई। क्या यार? खाना खाने के लिए बड़े रेस्टोरेंट गया। कहाँ? ये आ गया यहाँ, आगे है, बहुत बढ़िया। पक्का? पक्का। मतलब ऐसा बढ़िया क्या लगा तेरे को? बनाया हुआ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ। बनाया हुआ ऐसे नहीं कह सकता ना यार, तो नहीं कह सकता। बैठने बैठने के लिए भी अच्छा बना हुआ, सिटी में सबसे मेन होती है बैठने का। अब तो मैं जो बैठो कंजर खाने को फायदा है, बढ़िया जगह बढ़िया। चल तू नहा धो ले फिर, चलते फिर शाम को घुमाते हैं, पहले रूम दिखाऊंगा आराम से, ठीक है ना? थके हुए थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर उसके बाद। अरे भाई हां जी दोस्तों, अब जाके फ्रेश हो गया और ठंड लग रही है बहुत भयंकर, तो इसलिए मैंने जैकेट भी पहन ली। अभी पूरे रास्ते में ठंड नहीं लगी लेकिन यहाँ ठंड लग रही है। ये पीछे रूम है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ रूम के सामने का नज़ारा। ये देखो पहले, ये है रूम के सामने का नज़ारा, सामने खड़ी अपनी थार बोरी, ये देखो हमारे बिल्कुल रूम के ठीक सामने यहाँ से थार है, ये पूरा नज़ारा है, ठीक है? ये यहाँ पे ये पहाड़ी पहाड़ है, ठीक है? और मैं मंदिर एक बार दिखा के आता हूँ आपको, एक बार चलो यहाँ से एक बार देख सकते हो थोड़ा सा। ये ना ये नीचे बाग बाग है जिसका ये होटल है, ऐसे इसने बनाया हुआ है ये यहाँ पे। और ये रहा ठीक पीछे मंदिर, ये देखो छत से और साफ दिखेगा। बाकी ये रहा मंदिर यहाँ पे, तो यहाँ पीछे ये मंदिर है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज जैसे मैंने बताया आमने सामने ही है हम, एक बीच में एक बस एक नदी का फासला है। और अभी एक बार मंदिर चल के देखते हैं फिर उसके बाद, है ना? और ये रहा रूम, रूम में आ गए, चले भाई बस चलो। लो जी ये रहा हम अपना निकल रहे हैं दोनों भाई। वो नीम करोली नहीं है, वो नीम करोली करोली हाँ नीम। और ये रही गाड़ी, ओ गाड़ी कह रहा हूँ, ये रहा मंदिर, ये देखो काफी लोग आ रहे हैं, ये देखो इतनी सारी गाड़ियां तो अभी यहाँ लगी हुई है, बाकी उधर पार्किंग में लगी हुई है। एक बार रुक यार मंदिर की फोटो ले लें जरा। ये रहा यहाँ मंदिर और ये रहा हमारा होटल। तो देख लो होटल से और मंदिर का डिस्टेंस यही है और सिर्फ बीच में जो मैं कह रहा था ना एक नदी का फासला है, ये जो नदी नहर कुछ भी है, काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो सिर्फ यही फासला है इतना सा। कहाँ हो रहा है? फोन जमा हो रहे हैं भाई सारे। आदि 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 फिर सुन। अच्छा अच्छा सॉरी।
ये देखो जी सारे लोग अपना यहाँ मेरा मंदिर मंदिर में अपना सारे लोग ये देखो ऐसे यहाँ शोर सब सेल्फी। ये देखो मौसम ही तगड़ा है यार, मौसम ठंडा है तो पानी भी ठंडा होगा। लोग अपना सारे दर्शन करने के बाद आइए है श्री वैष्णो देवी। अब ये लो जी दोस्तों हम दर्शन करके आ गए हैं और दर्शन करने के बाद ये मंदिर बंद हो चुका है। हम जैसे ही घुसे थे उसके बाद मंदिर बंद हो गया था। ध्यान से ऊपर नाम पढ़ो, नीब करोली बाबा है, नीम करोली नहीं है, नीब करोली। अब उसके बाद हमने कहा बाहर की वीडियो बना लेते हैं, अब ये वीडियो बना रहे हैं। और ये देख लो श्री नीब करोली महाराज, ये असली नाम इनका यही है, नीम करोली नहीं नीब करोली, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब बाकी लोग भी वीडियो बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, जय श्री राम। अभी हम जरा पानी चेक करने के आ रहे हैं, पानी कितना ठंडा है अब ये बताएगा आदि कितना ठंडा है। बाकी तो हम कल दिन में आएंगे, अभी तो ठंड से भी लग रही है। हाँ जी महाराज ठंडा पानी है भाई। चिल्ड या कैसे? चिल्ड बहुत। रुक जा मैं भी चेक करूँ। हाँ चिल्ड है भाई। पानी कितना साफ है? मेरे को तो जुकाम भी हो गया। पानी कितना साफ है? ये ऊपर से कहीं नदी वदी से आ रहा है क्या बोलता है भाई? बहुत बढ़िया, मतलब क्या बोलूँ, साफ है। दिन में और जब दिन में करेंगे ना यार तब अच्छा आएगा है ना। ये रहा मंदिर और मंदिर के बगल में ये नदी चल रही है, नदी बहते हुए आ रही है यहाँ कहीं से। ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ों में से बीच में से कोई ग्लेशियर पिघल के आ रहा होगा पक्का। नदी कांच की तरह साफ है, पानी आ रहा पहाड़ों में से बहुत बढ़िया। हाँ भाई कांच की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर। ये हम हमारा होटल है, इसके पत्थर ये यहाँ से दिख जाएगा, इधर यहाँ से निकल के ये क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे आ गए हम, और बस 15-20 मिनट मंदिर में लगे और उसके बाद अब हम यहाँ आ गए। सही है, बाकी दिन के उजाले में और अच्छी आएगी। क्या बोलते हैं पब्लिक हैं है ना, सुबह और अच्छी फोटो भी अच्छी आएगी। सुबह फोटो खींचे हाँ 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 देखो गिर जाए, गिर जाता भी है फोटो के चक्कर में गिर जाएगा। चल आ जा ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकले, यहाँ पे कैची करके एक दुकान थी, ये इसमें सारी बाबा की जितनी भी फोटोज़ हैं और जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, ये सारे मिलते हैं यहाँ पे ऐसे बना के। अगर कोई घर लेके जाना चाहे बना सकता है। ये केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले 900-900 रुपये के हैं, और ये बाबा की है, ये जैसे बाबा जिसमें आराम कर रहे हैं, ये मेरे को पता नहीं कितने की है, लेकिन ये मतलब 350-400 रुपये की है ये वाली। और ये जो बीच बीच में 100-150 रुपये की, कुछ 200 रुपये की, ये जो केदारनाथ और बद्रीनाथ वाली ये जो दो दिख रही है ना आपको, ये 900 रुपये की, 900 की एक, तो ये सब है। और ये बाकी जो फोटोज़ हैं इनके पैसे लगे, कोई 800, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2500। अभी ये एक है भोजनालय, अनुपम भोजनालय, बहुत अच्छा है, तो उस पर खाना खाने के लिए हम आए हैं। ये देखो दिखाता हूँ आपको, और काफ़ी फॉरनर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, लगता है फॉरनर से मेरा पुराना नाता होगा, जहाँ पे जाता हूँ फॉरनर बहुत टकर रहे हैं। ये देखो ये यहाँ पे रुके थे, अभी हम रुके मतलब अभी वो डिनर के लिए ना, अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट, अच्छा था, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। सारी दुकानें बंद हो गई और रोड पूरी खाली हो गई, ये देख लो सुबह सुबह तक का जाम था, शाम को भी कितने 8 ही बजे हैं, और देख लो अब चल रहे हैं मैं और आदि कहीं घूम के आएंगे। एक बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से, निकल जाए एक मिनट को फिर बोलूँगा। ठंड है और मुझे जुकाम भी हो गया, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, और जब सर में दर्द होता है मेरी आँख में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो भाई जुकाम हो गया बस, ये जुकाम सबसे गंदा लगता है मेरे को, और हो गया। हुआ क्या कि मैं ना बिना जैकेट के उठ कर आया ऐसी बाहर, मैंने कहा सही मौसम है, एकदम से हवा चलने शुरू हो गई और अब धीरे धीरे जुकाम हो गया, और अब बस ठंड लग रही है बहुत भयंकर, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली। लेकिन अभी खाना खाया और मेरी आदत है खाना खाने के बाद घूमने की, तो घूम रहे हैं। बाकी काफ़ी अंग्रेज लोग आ रखे हैं यहाँ पे, काफ़ी फॉरनर्स आए हुए हैं, बात बात तो करी नहीं मैंने, अब क्या बात करूँ उनसे। अभी वैसे बात करी, मतलब वैसे तो बात करी पर रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो बस अब थोड़ा घूम के आएंगे यहाँ पे। ये देखो एक महीने के लिए आया हुआ है, और वो हाँ वो एक महीने के लिए आया हुआ, सिर्फ यहीं पर आज से आ जाए, वो एक महीने के लिए आ जाए और एक महीने के लिए आ रहेगा। तो बस अभी यहाँ देखो, यहाँ तो पूरा अंधेरा अंधेरा है यार, ये देखो, ये देखो बस यहाँ पे है कुछ जो है, बाकी तो सब खाली है भाई।
अब सब खा लिया आधी है, सारा का सारा खा लिया यार सब पूरा भाई, कुछ नहीं है बता, कुछ भी नहीं है ना। देख और सुबह कितनी भीड़ थी, सुबह भाई साहब जगह नहीं थी यार गाड़ी निकलने की, पी 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 खोपड़ी खाली शर्म दर्द हो गया। और मैं वही देख रहा हूँ यार एकदम से, अभी तो आठ भी नहीं बजे, अभी आठ बज के एक मिनट हो रहा है, चल आठ ही बज गए देखिए ना, आठ बज के एक मिनट हो गया फिर भी भाई कुछ नहीं है। नोएडा में जाओ, दिल्ली जाओ, 11-12 बजे तक पी पी होते थे, कितनी शांति है। यहाँ हम बैठे, यहाँ जब रेस्टोरेंट से उतरे थे तो इस तरह पानी की आवाज है, कितनी प्यारी आ रही थी, पानी गिर रहा था जब, अभी भी आ रही होगी पानी की आवाज आ रही है। उधर अभी यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, तो चलो फिर ना कल का रखते हैं, अब कल का बनाएंगे वीडियो, जो भी बनाएंगे। हाँ अब जो वीडियो बनेगी कल बनेगी, अभी बैठ के थोड़ा सा रिव्यू करते हैं आज का। अब बैठेंगे आज का थोड़ा हम देखेंगे क्या है, आपस में भी रूम में चलेंगे, रूम में बातें करेंगे, ठीक है चलो। चाय पीने आ गए, चाय पीने, ये मैच देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देखो ये मैच चल रहा है, यहाँ आपको खा लेनी है, बड़ी मुश्किल से मिली है चाय, नहीं तो अभी तक मिली नहीं, चाय नहीं मिली थी कम से कम, सात आठ दुकान में। अरे ये बता इनका जो चल रूम ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ एक बंदे आए हैं हमारे यहाँ अभी, दो एक कानपुर से, एक कानपुर के पास से, मतलब दो गाड़ियाँ आई हैं, चार चार पाँच पाँच बंदे दोनों में, इन्हें कमरा ही नहीं मिल रहा, रूम ठस भरे हुए सारे के सारे, सारे रूम फुल पैक फुल। तो आप ऐसी गलती कहीं मत करना, हमें तो मिल गया, हमारी तो किस्मत अच्छी थी, भगवान के आशीर्वाद से मिल ही गया, मिलता बेटा हमें भी नहीं। हाँ अगर हम भी थोड़ा लेट आते तो नहीं मिलता, कभी भी आओ हमेशा कम अपना रूम वगैरह बुक करके आना, ऐसे मत रहना कि सैटरडे संडे आओगे तो रस पूरा मिलेगा दबा के। हाँ सैटरडे संडे, अब तो बहुत जब से कोहली होकर गया तो बहुत ज़्यादा ही है, सैटरडे संडे में तो कोशिश करना कि ना ही आओ, आओ तो अपना रूम पहले बुक करना, प्री बुकिंग पहले कराते हैं। ये रहा भैया हमारा होटल, हमारी थार हमने खड़ी कर दी है, पहले पार्किंग में खड़ी कर दी, अब यहाँ खड़ी कर दी है। हाँ जी उसी में रूम खाली हुआ था, आज रूम ही नहीं है, पर क्या चीज़ ये हमारे भैया ये बताएंगे, पांच साल मिल गया भैया, आप सही कह रहे हो बिल्कुल भी रूम नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो भैया। मेरा नाम दिनेश तिवारी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, छोटा सा मेरा एक होम स्टे है न्यू महिमा करके। हाँ अब जो भी कोई आए, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी कोई आए भैया का नंबर ले लेना, हम नंबर डाल देंगे इसमें भैया का। आप बोल दे, नंबर पहले आ जाना, अपने नंबर बता दो क्या नंबर आपका। नहीं भैया यहाँ पे काफी होम स्टे हैं, जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ। नहीं मैं तो भाई आपके लिए बोलूंगा ना, आपके पास आप बोलिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी आप रहे, जहाँ आपको पसंद आए वहाँ रहे, जिसको मेरे वहाँ पसंद आएगा वो यहाँ आएगा। नहीं भैया हमें तो बड़ा अच्छा लगा भैया का बिहेवियर, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट एंड होम स्टे करके है, तो आओ वहाँ पे रहो आराम से। मैं बताता हूँ भैया ने हमारी बहुत अच्छी एक हेल्प करी, अभी क्या हुआ हमने अपनी गाड़ी लगाई थी, तो गाड़ी लगाई तो वो पार्किंग में, उन्होंने बोला 24 घंटे आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपकी सेफ्टी के लिए, घूमते रहते हैं। और हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा 24 घंटे का गार्ड मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा कि एक बार देखते हैं कि नहीं है, मैंने भैया से बात करी, मैंने कहा भैया कि हम क्या गाड़ी अपनी यहाँ लगाते थार, तो भैया ने बोले आप लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे वहाँ हो सकता है वो गार्ड होंगे। हम गए, हम वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आए, यकीन मानो चार गाड़ी थी गिनती की, और एक बंदे ने पूछा नहीं हमारी गाड़ी लाने से पहले गाड़ी, तो ये देख लो कितनी सिक्योरिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भरोसे मत आना, भगवान भरोसे आना, या भैया जैसे इंसान मिल जाए तो अलग बात है। तो मैं तो यही कहूँगा न्यू महिमा रेस्टोरेंट एंड होम स्टे, और बहुत सही है, मंदिर के ठीक पीछे है, मंदिर के बीच में झरना अच्छा है, और यहाँ पे सीधा भैया का है, और बढ़िया भैया का बिहेवियर भी अच्छा है, और भैया भी अच्छे हैं, और जगह भी काफ़ी अच्छी है। जब भी आओ भैया के पास आना, और अभी हमने अपनी कार यहाँ लगा दी है, और उसके बाद अब सीधा सुबह का है, नहा धो के सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। भैया जो बंदे एसी चला के इस टाइम सो रहे हैं और सिंपल एक कंबल उड़ रहे हैं, कंबल क्या बस एसी में पूरा टाइम रह रहे हैं, वो लोग कृपया ध्यान दें, ये देखो एक कंबल दो कंबल बिना पंखे के बिना एसी के नीचे देख लो, नहीं वो तो है ही नहीं, नीचे गरम लोअर और सॉक्स, उतार ही नहीं है भैया, हिम्मत नहीं हो रही है हमारी उतारने की। कमरे में एक फैन है सिर्फ, वो वाला। हाँ वो वाला, ये देखो बाकी ना एसी ना वैसा फैन, वैसा फैन भी नहीं, ठंड भाई साहब सच बता रहा हूँ, ठंड जी फाड़, समझ जाओ जी फाड़ का मतलब, और बहुत भयंकर ठंड है, और जुखाम हो गया था मैंने जैसे बताया था, मैं पहले सोच रहा था जैकेट पहन के सो जाऊँ, पर मैंने कहा नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे ही सोचा था, लेकिन डबल कंबल पहन के सो रहे हैं दोनों। और अब सुबह, अब प्लान ऐसा है कि सुबह हम 6 बजे उठ जाएंगे, अभी इस टाइम 10 बज रहे हैं बस, और पूरा सन्नाटा, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा, लोग भी नहीं है यहाँ पे, सब सो गए, वो ढूंढते फिर रहे हैं, जॉब आ रहे हैं ना, वो ढूंढते फिर रहे हैं, बहुत बहुत लोग आ रहे हैं, सब लोगों को पता क्या लगता है, कह रहे रात को चलेंगे तो हो ही जाएगा, मिल ही जाएगा,
कुछ नहीं मिल रहा, सारे होटल पैक हैं, जैसा आपको बताया गया था। अब लोग, हमने इनको बोला है कि काम करो भाई, कहीं नहीं मिलेगा। लोगों को लग रहा है कि शायद दूसरी जगह मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल हमने लोगों को बता दिया, भाई अपनी गाड़ी में अंदर ही सो जाओ, यहीं मंदिर है, सीधा यहीं से उठना। यहाँ पे हमारे होटल में जैसे होटल वालों से अरेंज कर लेना कि भैया बाथरूम यूज़ कर लें तुम्हारा, तो बाथरूम यूज़ करने देगा, पैसे लेगा कुछ 400-250-200 रुपये और फिर यूज़ करने देगा। तो अब हमने बनाया, सुबह 6 बजे उठेंगे, 6 बजे उठने के बाद 6:30 तक फ्री होके नहा धो के अपना 7 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, 7:20 पे आरती होगी, उस आरती को अटेंड करेंगे। और शायद जब तक वो आरती चलेगी, कोई कहता है 8:30 तक चलेगी, कोई 9 बजे तक चलेगी, तो वो आरती अटेंड करके उसके बाद अपना हम 9:30 और यहाँ पे सारे फोटो वोटो खिंचवा के उसके आसपास फिर हम निकल लेंगे यहाँ से, और 11 बजे के आसपास हम नैनीताल पहुँच जाएंगे। बीच में रास्ते में फोटो वोटो खिंचवाते चलेंगे। 11 बजे फिर हम नैनीताल पहुँचने के बाद फिर और वीडियो बनाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि हम 6 बजे तक हम नोएडा वापस पहुँच जाएँ, और क्योंकि 6 बजे मुझे भी कहीं जाना है, इसको भी कहीं जाना है, तो फिर हम वापस उस जगह को भी अटेंड कर लें। तो बस अभी यही है, अब बाकी गुड नाइट। दोनों भाई हम साथ में सो रहे, ठीक है, बस बल बंद करने वाले। ओके, गुड नाइट। तू भी गुड नाइट कर दे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, सो आराम से। ओके, बाय।